गाइस, अब आईफोन की तरफ फोटोज लेने के लिए अब आपको आईफोन 14 या 15 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी के टाइम में सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पास आईफोन्स हैं। तो हम ये सोचते हैं कि उनकी अच्छी फोटोज आईफोन की वजह से ही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास एक बजट एंड्रॉइड फोन भी है ना, तो आप अपने नॉर्मल फोटो को इजिली 1 सेकंड में आईफोन की तरह एडिटिंग कर सकते हो हमारे आज की ब्रांड न्यू टॉप 10 प्लस आईफोन लाइटरूम DNG प्रीसेट की हेल्प से। तो जैसे कि आपने सुना ये DNG प्रीसेट है, तो जस्ट आप प्रीसेट की सेटिंग को कॉपी करके अपने नॉर्मल फोटो पे पेस्ट करके एडिटिंग कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट्स। तो अगर आप भी ये टॉप 10 प्लस आईफोन प्रीसेट लेना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्रीसेट आपको इजीली दे दिया गया है, इजीली मिल जाएंगे, बट प्रीसेट जिप फाइल लॉक्ड है और वो कोड आपको इस वीडियो पे दो दो एडिट करके 3 times दिखाए जाएंगे, मतलब टोटल 6 digits फाइंड करना है वीडियो पे। वो मिलने के बाद जिप को अनजिप करके प्रीसेट ले सकते हो और लाइटरूम पे डाल सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज हम वीडियो का लाइक्स का टारगेट रखे हैं ओनली 100 likes की। अगर 100 likes 24 hours के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरे पास ऐसे आईफोन XMP प्रीसेट भी है, जिससे सिर्फ आप टाइप करके एडिटिंग कर सकते हो। अगर ये भी लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो पे सारे प्रीसेट को बहुत सारे फोटो पे अप्लाई करके एंड टेस्ट करके दिखा दिया हूँ। तो चलिए आज की समथिंग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं मैनेजर को ओपन करके इस फोल्डर पे आऊंगा, क्योंकि जो मैं आपको प्रीसेट दिया हूं, अगर आप अपने फोन पे डालोगे वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। इसे आपको अनजिप या एक्सट्रैक्ट करना है, जस्ट टैप करना और एक्सट्रैक्ट ईयर को प्रेस करके यहां पे जो मैं कोड आपको बताया हूं वीडियो पे दो दो एडिट करके, अगर आप ध्यान से देखोगे ना वीडियो को, तो आपको दो दो एडिट करके आई बटन पे पॉप अप होंगे और दो दो एडिट करके आपको 3 times जब मिल जाएंगे, तो सारे कोड को मर्ज करके मतलब 6 number digit बना के आपको यहां पे एंटर करके इसे अनजिप कर लेना है। और इसके फोल्डर के अंदर आपको सारे प्रीसेट मिल जाएंगे, तो ये फोल्डर पे देख सकते हो ये सारे प्रीसेट है। तो आज मैं आप लोग को DNG प्रीसेट दूं, पिछले वीडियो पे आपको XMP प्रीसेट दिया था, तो XMP फाइल्स को आप ओपन नहीं कर सकते, बट ये DNG प्रीसेट है तो आप इसे ओपन करके चेक कर सकते हो जस्ट लाइक ए फोटो। एंड यहाँ पे आप डिटेल वगैरह भी चेक कर सकते हो, कितना MB की प्रीसेट है एंड कैसे टाइप के प्रीसेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट XMP प्रीसेट के केस में आपको फाइल देखने को मिलते हैं, बट आप उसे ओपन नहीं कर सकते हो। सो आप लोग को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे प्रीसेट को ओपन करके दिखा दिया हूँ, क्योंकि XMP प्रीसेट को कई लोग ओपन करते हैं, अनसपोर्टेड दिखाता है बोलते हैं, बट आपको ओपन नहीं करना होता है, जस्ट लाइटरूम पे इंपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट वीडियो पे XMP प्रीसेट बताऊंगा, तो आप उसको जरूर देख लेना, या फिर आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो XMP प्रीसेट को मैंने कैसे लाइटरूम पे इंपोर्ट करा एंड कैसे एडिटिंग करता हूँ प्रीसेट की हेल्प से। बट DNG प्रीसेट के केस में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होता है, बट हाँ, जो जिप फाइल है उसे आपको अनजिप करना होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रीसेट देता हूँ एक बार में, तो मैं जिप फाइल ही बना के देता हूँ एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कोड भी डाल देता हूँ। सो उसके बाद लाइटरूम को ओपन करके सिंपली आपको क्या करना है, हमें प्रीसेट को इंपोर्ट करना है या फिर ऐड करना है। बट अभी के टाइम में जब लाइटरूम अपडेट हुई है, हमें DNG प्रीसेट को इंपोर्ट या ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें XMP प्रीसेट को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। बट आज मैं आप लोगों को सिर्फ DNG प्रीसेट दिया हूं, तो आप यहां देख सकते हो क्लियरली प्रीसेट यहां पे ऐड हो चुके हैं, मतलब जो मैं आपको जिप फाइल दिया हूं, जैसे आप अनजिप कर लोगे पासवर्ड डाल के सही कोड डाल के और वो सक्सेसफुल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एंड उसे आप ओपन कर सकते हो। एंड जैसे ही ओपन हो जाएगी तो समझ जाओ वो सारे प्रीसेट आपके लाइटरूम पे ऐड हो जाएंगे। हाँ, बस अगर आपने लाइटरूम पहले से ओपन कर रखा होगा तो आप उसे क्लोज करके फिर से ओपन करके चेक कर लेना, ठीक है। और यहां पे कुछ रॉ फोटोज हैं, तो इसी फोटोज पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे लगता है वो DNG प्रीसेट पे लेके चलता हूं, तो ये सारे DNG प्रीसेट हैं और एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होता है और यहाँ पे देख सकते हो कॉपी सेटिंग लिखा है, जस्ट आपको इसे टैप करना है, यहाँ देख सकते हो सेटिंग कॉपी लिखा रही है। तो अब आपको नॉर्मल फोटोज पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल फोटो पे जाके इस 3 icon को प्रेस करके पेस्ट सेटिंग को प्रेस कर देना है और आपकी फोटो एडिटिंग हो जाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हो। और नेक्स्ट फोटो पे ट्राई करते हैं, तो इस फोटो पे देख सकते हो बहुत ही सही से एडिटिंग हो जा रही है और बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग हो जा रही है एंड आप देख सकते हो बिल्कुल विविड फिल्टर की तरह यहाँ पे कलर टोन्स अप्लाई हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रीसेट को ट्राई करते हैं, तो ये वाले प्रीसेट को हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग को कॉपी करा और रॉ फोटो पे जाके यहाँ पे सेटिंग को पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फोटो पे पेस्ट करेंगे जो कि फोन क्लिक फोटो है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल आईफोन की तरह मस्त एडिटिंग हो जा रही है। तो आप अपने किसी भी फोटो को इजिली एडिटिंग कर सकते हो, चाहे वो फोन से क्लिक फोटो हो या फिर कैमरे से क्लिक फोटो, आप अपने किसी भी नॉर्मल फोटो को यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट में ये वाले प्रीसेट को ट्राई करेंगे आईफोन विविड ग्रीन फुल HD में एंड इसकी सेटिंग को मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी करूंगा एंड चलिए चेक करते हैं रॉ फोटोज पे। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देख सकते हो विविड ग्रीन बहुत ही सही लग रही है, पूरा ग्रीन हो जाएगी बैकग्राउंड एंड आपकी जो फेस है वो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ग्लो करेगी, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। यहाँ पे मैं और कुछ फोटोज पे ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट कोड मिल गया होगा 2 digit करके और अभी वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ ध्यान से बिना 1 second स्किप करे, सेकंड एंड थर्ड वाली कोड भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ध्यान से देखना। अगर आपने 1 second भी स्किप करा तो आप या तो सेकंड कोड को मिस कर सकते हो या फिर थर्ड वाली कोड को।
100 के 10 से भी ज्यादा आईफोन प्रीजेड आपको आज की वीडियो में दिया हूँ। और आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे फोटोज पे अप्लाई करके भी देखा है, जो कि रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही सही से एडिटिंग हो जा रही है। अनजाओ ये प्रीजेड लेकर आप जिप फाइल को अनजिप कर लेना, आपको लास्ट कोड 2 डिजिट कोड मिलने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड तो मिल गए होंगे, एंड जो 2 लास्ट कोड है आपको थोड़ी सेकंड बाद देखने को मिल सकती है। सो ये सारे डीएनजी प्रीजेड को आप इजिली यूज कर सकते हो। एंड ये डीएनजी प्रीजेड है, इजी टू यूज है, क्योंकि इसमें आपको इंपोर्ट करने का झंझट नहीं होता है। सिर्फ जिप फाइल को अनजिप करो एंड लाइटरूम पे सारे प्रीजेड आपके में ऐड हो जाएंगे। सो उम्मीद आप लोग को ये आईफोन वाली डीएनजी प्रीजेड कलेक्शन अच्छी लगी होगी। अगर 24 आवर के अंदर हैंडल टेक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आईफोन की एक्सएमबी प्रीसेट दूंगा, जिसमें आप जस्ट वन टैप में इस एक्सएमबी प्रीसेट की मदद से वन टैप में एडिटिंग कर सकते हो। कॉपी पेस्ट वाले कोई झंझट नहीं होगी उसमें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि टॉप 10 आईफोन डीएनजी प्रीसेट कैसे लगी, ताकि मैं आने वाले समय में आपको इससे ज्यादा भी न्यू आईफोन डीएनजी प्रीसेट आप लोग के लिए क्रिएट करके दे सकूं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए होता है, जैसे कि आप प्रीसेट नहीं ले पा रहे हो हमारे साइट से, या फिर आप प्रीसेट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं छोटा छोटा फुटेज करके डालता हूँ एंड पिन भी कर दूँ, क्योंकि आपको यूट्यूब पे क्लियरली नहीं बता सकते, इसलिए आप जो यहाँ पे नहीं बता सकते वहाँ पे इजिली हम बता के समझा सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।